ये वाला क्वेश्चन जरा करो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन 3.4625। संख्या तीन दशमलव चार छह दो पांच में दो का स्थानीय मान है इस संख्या में आपको दो का स्थानीय मान दो की प्लेस वैल्यू बतानी है बेटा दो का स्थानीय मान दो की प्लेस वैल्यू बताओ वन बाई हंड्रेड पंकज का आंसर आ रहा है गुड 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 बाकी बेटा वन बाई हंड्रेड कैसे बोल रहे हो बेटा वन बाई हंड्रेड जरा मुझे बताओ तो वन बाई हंड्रेड कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर ये बताओ मुझे मुझे ये बताओ बेटा वन बाई हंड्रेड कैसे आ रहा है सब गलती कर रहे हो देखो ऑप्शन के चक्कर में ना बेटा देखो ऑप्शन के चक्कर में तुम सब गलत कर रहे हो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के चक्कर में सब गलत कर रहे हो बेटा तुम लोग हम्म <laughs> ना, 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 ना कोई भी सही जवाब नहीं रहा मैं अभी तक बता रहा हूं अभी तक किसी का भी जवाब सही नहीं आया है बेटा मैं देख रहा हूं कोई वन बाई फाइव हंड्रेड दे रहा है ये चारों सारे ही ऑप्शन तो तो किसी किसी by... गलत कर रहा है बेटा देखो मैं कह रहा हूं इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया कोई संतोष वर्मा शायद ऊपर चला गया कमेंट संतोष वर्मा ने सही किया शायद एक और बच्चे ने सही किया है एकाध बच्चे बहुत सही कर रहे हैं सोचो इतना आसान सा क्वेश्चन है हाँ, स्वाति वर्मा ने सही किया बहुत है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया एक आध बच्चे सोचो एक दो बच्चे बस मुझे दिख रहे हैं मेरे को कि सही कर रहे हैं यहाँ पे और इतना आसान सा सवाल बेटा आप एग्जाम में जाकर के ऐसी ही गलतियां करते हो ये छोटे छोटे सवाल है बेटा लेकिन गलती कर जाते हो और फिर पछताते हुए आते हो भैया हम तो ये गलती हो गई हमसे हमारे नंबर नहीं आ रहे हम फेल हो गए देखो बेटा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेंगे तो फिर गलती करोगे ही देखो ये है 3.4625 की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था जैसे कोई नंबर मैं लिखता हूँ जैसे कि मान लो कि थर्टी फोर 34, थ्री फोर सिक्स पॉइंट एट नाइन टू एट ये मैंने नंबर लिख दिया ठीक है बेटा तो जब भी मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगा ध्यान रखना कि ये जो दशमलव है ये मेरी बाउंड्री लाइन है जहां दशमलव है जहां डेसिमल है मैंने वहां पे बाउंड्री खींच दी बेटा है ना अगर मुझे निकालना है थ्री की प्लेस वैल्यू तो मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनो तीन के आगे ये दो अंक हैं ध्यान रखना ये इन सभी को नहीं गिनेंगे ये सभी बहरूपीय हैं इनको नहीं गिने हम, हम सिर्फ यहीं तक गिनेंगे यानी कि सिर्फ दो अंक जो है तो तीन के बाद डबल जीरो हमारा हो गया फोर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो फोर के बाद जीरो हो गया है ना और जब सिक्स की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है तो सिक्स तो केवल सिक्स है बेटा इसके आगे कोई अंक नहीं है मैंने इसीलिए दशमलव पर एक लाइन खींच दी कि ये हमारी बाउंड्री लाइन है मतलब इससे आगे नहीं बढ़ना है बात समझ रहे हो इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है अब देखो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एट इनफैक्ट अगर मैं एट की प्लेस वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा देखो यहां पर आठ की निकालना चाहता हूं तो आठ बटा हो जाएगा नौ की निकालना चाहता हूं तो नौ बटे सौ हो जाएगा दो का निकालना चाहता हूं तो दो बटे एक हजार हो जाएगा और आठ का इधर निकालना चाहता हूं तो आठ बटे एक दो तीन चार जीरो हो जाएगा ध्यान से समझो मैंने किया क्या बेटा मैंने किया क्या यहां क्या हो रहा है कि जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जितना आगे बढ़े उतना ही जीरो नीचे लगा दिया क्या बोला फिर से रिपीट करो बेटा एक प्लेस के बाद डेसिमल से एक प्लेस आगे बढ़े तो एक जीरो दो प्लेस आगे बढ़े तो दो जीरो तीन प्लेस आगे बढ़े तो तीन जीरो और जब हम चार प्लेस आगे बढ़ रहे हैं बेटा तो चार जीरो बात समझ रहे हो मेरी समझ में आ रही बेटा बात अच्छा ये तो हम लोग भाग दे रहे हैं है कि नहीं ये तो हम लोग भाग दे रहे हैं लेकिन यहां पे हम लोग गुणा कर रहे हैं जैसे ये छह कैसे आया बेटा छह का एक में गुणा कर दिया चार कैसे आया चार गुणे दस कर दिया तीन कैसे आया तीन गुणे, तीन गुणे सौ कर दिया है कि नहीं तो प्लेस वैल्यू का मतलब यह हुआ कि जहां पे वो है जो जो अंग जिस अंग की हम बात कर रहे हैं वो जहां पे है उस प्लेस की वैल्यू क्या है और इनटू वो वाला नंबर जैसे कि अगर उस प्लेस पे नौ किसी प्लेस मान लो place कि सौवे प्लेस पे नौ है यानी कि हंड्रेड प्लेस पे नौ है ठीक है तो नाइन इंटू हंड्रेड वो नाइन हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड प्लेस पे आठ है तो फोर इंटू हंड्रेड प्लेस आठ है तो एट इंटू हंड्रेड एट हंड्रेड हो जाएगा समझ रहे हो तो जहां जो चीज है जो अंक है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है ठीक है इसीलिए कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहा करो प्लेस की वैल्यू होती है अपनी कुर्सी की वैल्यू होती है प्लेस की वैल्यू होती है बेटा जहां तुम हो जिसके साथ हो उस हिसाब से तुम्हारी वैल्यू तुमको इवेल्युएट किया जाएगा कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं ये गंदे बच्चे हैं है? तो ठीक है, है तो गंदे बच्चों के संगत में मत रहा करो वरना तुम्हारी प्लेस वैल्यू खराब हो जाएगी बेटा बहुत कम हो जाएगी इधर आ जाओ हाँ तो इसका आप करते हैं देखो अब इसमें पूछ रहा है दो की प्लेस वैल्यू बता दो भाई और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया शानदार क्वेश्चन है देखो दो की प्लेस वैल्यू जी हाँ जी दो की प्लेस वैल्यू दो कहा यहाँ पे मास्टर कितने अंक के बाद है तो एक दो तीन डेसिमल से गिनना स्टार्ट करो बेटा एक दो तीन यानी कि दो बटे एक के आगे तीन जीरो लग गया अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इसीलिए पड़े हैं वो एक, के एक बटा एक हजार कर दिए हैं गलत हो गया बेटा आंसर है ना ये दो बटे एक हजार होगा भाई ये दो की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना जी ये दो की तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो दो अगर प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो दो तो रहेगा ही रहेगा भैया हमने दो कहा गायब कर दिया यहां देखो दो तो है ही नहीं और ना यहाँ दो है दो कहीं भी नहीं है है ना तो दो को गायब क्यों करना बेटा दो की ही तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपसे और जिसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उसी को गायब कर दिया शादी में आया दूल्हा गायब हाँ जी दूल्हे की ना शादी करा रहे तुम लोग तो ये दो की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और दो को ही गायब कर दिया तुमने तो देखो बेटा ये हो जाएगा वन बाई फाइव हंड्रेड जब यह कार्ड पीट के लेके आओगे तो वन बाई फाइव हंड्रेड हो जाएगा एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर अगर आपके आंसर में यह दिया हुआ है यह भी सही है यह दिया हुआ है यह भी सही है ठीक है बेटा हाँ जी अच्छा एक और चीज बताता हूं अगर आपके आंसर में कहीं दिया हुआ है कि दो हजारवा दिया हुआ है हजारवां दिया हुआ है है ना तो यह भी सही है बेटा ठीक है हजारवां या फिर दो सहस्त्रांश दिया हुआ है सहस्त्रांश बोलते हैं इसको सहस्त्रांश तो ये भी सही है या फिर टू थाउजेंड अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है एस ए एन डी टी एच रहेगा यहाँ पे ध्यान रखना ये टी एच पे ध्यान देना अगर सिर्फ थाउजेंड है उसका मतलब दो हजार हो गया और टू थाउजेंड है मतलब कि नीचे नीचे जो है एक हजार से भाग हो रहा है यानी कि ये वाली वैल्यू मतलब ये वैल्यू टू थाउजेंड ठीक है <laughs> कनिष्का बोलिए सॉरी सर आपसे आगे से दुल्हे को गायब नहीं करेंगे हाँ <laughs> बेटा ये गलत बात है ना बेटा बताओ ऐसे कर रहे हो तुम तो लोग हो गया आगे चले